हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी किचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए अब हम बात करने वाले हैं पवनदीप और अरुणिता के बारे में। तो फ्रेंड्स, आप में से कुछ एक लोगों ने मुझे वीडियो भेजा है जिसमें कि इंस्टा पर, जिसमें कि पवनदीप जो है वो हवाई सफर करके आ रहे हैं, पीछे हेलीकॉप्टर चल रहा है और वो आगे बोल रहे हैं कि उनको बड़ा मजा आया। तो भाई, देख के तो मुझे भी मजा आ रहा था कि पवनदीप एक जो हेरिटेज हेलीकॉप्टर जो रहता है, हेरिटेज राइड लेकर आ रहे हैं। अब कौन था, क्या था, सर्टनली इसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालना मेरा काम था, तो मैं आ गई हूँ। सोर्सेस के जरिए इन्फॉर्मेशन आई है, आपको बताने के लिए आ गई हूँ। तो मेरी बात जो हुई है, वो जो हेलीकॉप्टर प्रोवाइड कराते हैं प्रदीप सिंह जी, उनसे बात हुई है। तो ही वॉज वेरी हैप्पी कि अच्छा ऐसा भी कुछ है। पॉसिबली ही वॉज बिजी, सो ही कुड नॉट सी दैट वेरी मच। एट द सेम टाइम नाउ, जब मेरी उनसे बातचीत हो रही थी, तब वो मुझे बता रहे थे कि कैसे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, वो अलग अलग जगह पर जो हेलीपैड्स हैं उसको रिन्यू करने की बात हमेशा करते रहे हैं, उड़ान की बात करते रहे हैं। तो उड़ान इसी बैनर के अंडर में ये अलग अलग जगह पर जाकर रेस्क्यू ऑपरेशंस भी करते हैं और लोगों को ऐसे राइड कराने का काम भी करते हैं और सामान एक जगह से दूसरे ले जाने का काम भी करते हैं। तो ऐसे में इनके हेलीकॉप्टर्स को बुक किया जाता है। प्रदीप जी मुझे बता रहे थे कि आने जाने के लिए भी अच्छी खासी रकम देनी पड़ती है क्योंकि उनको भी बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। नमस्ते और थैंक यू सो मच कहना चाहूंगा मैं हेरिटेज एविएशन को, और बहुत अच्छी जॉय राइड रही और देहरादून को ऊपर से देखने का मौका मिला मसूरी को, और बहुत कमाल का एक्सपीरियंस था। हेलीकॉप्टर में बैठना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है और बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। अब इतनी बात हुई, मैंने भी, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि अरे कुछ नई चीज मुझे मालूम पड़ी है बिकॉज ऑफ पवनदीप। उनकी स्टोरी करते करते मुझे ये सब चीजें मालूम पड़ी है। अब अगला रिमार्क मेरा चला कि पवन अकेले गए या कोई और भी था। तो फिर मैंने अपने सोर्सेस से खबर निकालने की कोशिश की, तो मेरे सोर्सेस कहते हैं कि इस राइड में पवनदीप के साथ ज्योति भी थी, अरुणिता भी थी और दर्शनी भी थी। यानी ये चार लोग तो डेफिनेटली वहां पर गए हैं घूम घाम कर और हवा से नजारे लेकर आए हैं मसूरी और देहरादून के, जिसे जानने के बाद मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब फ्रेंड्स, पवनदीप जब यहाँ पर घूम रहे हैं तो देहरादून में आए हुए थे कुछ एक या दो दिन, कुछ समय रुके हैं जिस घूमने फिरने के लिए आए हुए थे, और अब उनका जो अगला सफर है, अगला जो लाइव शो है, वो उनका शो होने वाला है मालदीव्स में। ओके, अब मालदीव्स में अगर पवन एंड अरुणिता का जो शो है उसके लिए पवन और अरुणिता ये लोग आज सफर कर लेंगे, दे विल लीव फॉर मालदीव्स, वहां पर उनका शो होना है। लेकिन हाल फिलहाल तो ये जानिए कि पवनदीप जब पवन में थे तो उनके साथ अरुणिता भी थी, ज्योति भी थी और दर्शनी भी थी, यानी कि हवा में घूम कर आ रहे हैं भाई साहब। तो चलिए, इस पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में और क्या कहना है जरा लिख कर बताइए, और उसके अलावा भी कुछ और भी स्टोरीज हैं, इन्फॉर्मेशन है जो समय समय पर आपके सामने आती रहेंगी। जय हिंद।